टू माय चैनल, आई एम सिमरन सहानी। आज हम करेंगे क्लास 10th के इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 डेवलपमेंट का रिवीजन। आपका चैप्टर है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, उसके मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो अपलोड करूंगी फॉर योर कन्वीनियंस, सो दैट आप एक बार एक हिट दे दो उस चैप्टर को एंड और बहुत ही डिटेल एक्सप्लेनेशन होगा उस वीडियो का। एंड उसके बाद आप लोगों का हिस्ट्री के दोनों चैप्टर्स आई विल प्रोवाइड यू, सो दैट रिविजन्स तो उनके हैं बट एक बार अगर आपने मेरी न्यू वीडियोस से उसको पढ़ लिया तो वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ओके, सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एसएसटी के, इंग्लिश के एंड साइंस के, यू कैन गो एंड चेक आउट माई इंस्टाग्राम आई डी, लिंक गिवन है वहाँ पे। मैं सारे नोट्स, वन मार्क क्वेश्चन, लिटरेरी डिवाइसेस, पोएटिक डिवाइसेस, लॉन्ग एमसीक्यू अपलोड करती हूँ ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर, यू कैन गो एंड एक्सेस इट। अगर आप नहीं यूज करती हो तो आप रीसेंट रिविजन वीडियोज देखो, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आंसर्स मैंने उन बच्चों के लिए पेस्ट करे हैं जो इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करते, बट इफ़ यू यूज़ यू कैन गो एंड चेक द डिटेल एक्सप्लेनेशन नोट्स। ठीक है, तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, अब हम करेंगे स्टार्ट हमारा एमसीक्यू से बिकॉज अब की बार फॉर्मेट में एमसीक्यू आ रहे हैं। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, पर कैपिटा इनकम इज इनकम पर पर्सन, इनकम पर फैमिली, इनकम पर अर्निंग पर्सन अ मंथ, इनकम पर पर्सन, इनकम पर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, पर कैपिटा इनकम होती है इनकम पर पर्सन इन अ कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, What the country with per capita income of $12,506 per annum above is called? ठीक है, तो इस कंट्री को क्या बोलेंगे हम, रिच कंट्री, लो इनकम कंट्री, डेवलपिंग कंट्री, नन ऑफ द अबव। तो जो इस इंडेक्स में कंट्रीज आती हैं इनको हम कहते हैं रिचर कंट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट ऑफ कंपेयरिंग कंट्रीज। तो जब हमें किसी कंट्री को कंपेयर करना होता है कि USA अच्छा है और यूरोप की कोई कंट्री ले लो, ब्रिटेन ऐसा है, तो हम कंपेरिजन किस बात पर करते हैं, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, लिटरेसी रेट, एक्सपोर्ट अर्निंग्स या इनकम। पैसों पे करते हैं, लिटरेसी रेट पे, अर्निंग्स पे, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि ह्यूमन की जो डेवलपमेंट है वो कैसे चल रही है उस पे हम उसको कैलकुलेट करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्स इज अ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स, सोलर रेडिएशन, क्रूड ऑयल, विंड एनर्जी। तो ऑप्शन बी क्रूड ऑयल, नॉन रिन्यूएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री अमंग इंडियाज नेबर हैज़ द हाइएस्ट पर कैपिटा इनकम, भूटान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश। तो वी ऑल नो श्रीलंका की काफ़ी ज़्यादा हाइएस्ट पर कैपिटा इनकम है। नेक्स्ट, पर कैपिटा इनकम ऑफ कंट्रीज फॉर इंटरनेशनल कंपनीज आर एक्सप्रेस्ड इन रुपीज, डॉलर्स, पाउंड्स, नन ऑफ द। तो डॉलर्स में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, डॉलर सम समथिंग अमाउंट गिवन होती है। प्रपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 years एंड अबव ग्रुप इज टर्म्ड एज एजुकेशन इंडेक्स, मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट रेशियो, ग्रॉस एनरोलमेंट। तो इसको कहते हैं हम लिटरेसी रेट, एजुकेशन एंड लिटरेसी रेट टिक कर देना, खत्म। कंट्रीज विद पर कैपिटा इनकम ऑफ $955 और लेस आर टर्म्ड एज लो इनकम कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज, रिच कंट्रीज। तो ऑप्शन ए लो इनकम कंट्रीज, एंड ये 2017 के डेटा के हिसाब का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन कॉमन डेवलपमेंट गोल अमंग द पीपल इज फैमिली, फ्रीडम, इनकम, सिक्योरिटी। तो हर एक को इनकम चाहिए होती है, पैसा हर एक को चाहिए, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉजेज ऑफ हाई मोर्टिलिटी रेट, मोर्टिलिटी रेट मतलब डेथ रेट होता है। तो कॉजेज ऑफ हाई डेथ रेट इज इनएडिक्वेट फैसिलिटीज ऑफ हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, लैक ऑफ अवेयरनेस, या बोथ ए एंड बी। तो इसका आंसर क्या है, और बोथ ए एंड बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्रीज हैज अ बेटर परफॉर्मेंस इन टर्म ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट रैंक। तो भूटान, श्रीलंका, नेपाल, नन ऑफ द अबव। तो आंसर क्या है, बी श्रीलंका, हमारे से अच्छी है इनकी। डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री कैन जनरली बी डिटरमाइन बाय, कैसे डिटरमाइन करते हैं हम, उसकी पर कैपिटा इनकम, लिटरेसी लेवल, इट्स एवरेज, हेल्थ स्टेटस ऑफ पीपल, या ऑल ऑफ द अबव। तो पर कैपिटा इनकम, लिटरेसी लेवल, इट्स एवरेज इनकम एंड हेल्थ स्टेटस, हर एक चीज़ से हम जो है हमारा, जो हम कहते हैं कि डेवलप्ड कंट्री है या नहीं है, उसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग हैड द हाइएस्ट पर कैपिटा इनकम इन 2007, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश। तो श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाइएस्ट डेवलपमेंट रैंक इन 2011 में किसकी थी, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश। तो इंडिया की थी, ऑफ द फॉलोइंग इन सब में से, फॉर अ गुड हेल्थ, बैलेंस डाइट, न्यूट्रिशियस डाइट, हेल्थ केयर फैसिलिटीज, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज इन इंडिया इज हाउ मच, 1/3 ऑफ द कंट्री, 1/4, 1/5 या 2/5। तो आंसर क्या है, 1/3 ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट, वी कैन ऑब्टेन पर कैपिटा इनकम ऑफ अ कंट्री बाय कैलकुलेटिंग टोटल इनकम ऑफ अ पर्सन, बाय डिवाइडिंग नेशनल इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, टोटल एक्सपोर्ट्स। तो हम लोग नेशनल इनकम को पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं, तो आंसर बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरला हैज़ लो इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट बिकॉज, केरला में मॉर्टिलिटी रेट मतलब डेथ रेट, कि
बच्चों का डेथ रेट कम है. वाई? इट हैज़ गुड क्लाइमेटिक कंडीशन, इट हैज़ एडिक्वेट फैसिलिटीज, इट हैज़ एडिक्वेट प्रोविजन ऑफ बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज, इट हैज़ पुअर नेट अटेंडेंस रेशियो. तो ऑप्शन सी, इनके पास हेल्थ फैसिलिटीज बहुत अच्छी हैं. ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कंपेयर्स कंट्रीज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल. किस पे कंपेयर करता है? एजुकेशनल लेवल, हेल्थ स्टेटस, पर कैपिटा इनकम, ऑल ऑफ द अबव. तो तीनों को ही कंसिडर करता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट डज इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट इंडिकेट्स? तो लिटरेरी पॉपुलेशन इन 7 एंड अबव एज ग्रुप, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर टू द प्रोपोर्शन ऑफ 1000 लाइव चिल्ड्रन, द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन अटेंडिंग द स्कूल, नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न इन अर ईयर. तो मोर्टिलिटी रेट है, तो इसका आंसर क्या है? B1. आप इसको देख सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स मनी कैन नॉट बाय? बिल्डिंग, पॉल्यूशन फ्री एनवायरमेंट, फ्लावर्स, बुक्स. तो पॉल्यूशन फ्री एनवायरमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ डेवलपमेंट इन द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफ द UNDP? तो पर कैपिटा इनकम, एजुकेशनल लेवल, बॉडी मास इंडेक्स या लाइफ एक्सपेक्टेंसी. तो जब ह्यूमन डेवलपमेंट की रिपोर्ट बनती है तो उसमें बॉडी मास इंडेक्स BMI को जो कंसिडर है वो नहीं करा जाता. नेक्स्ट, इन विच स्टेट इन इंडिया इनफैंट मोर्टिलिटी रेट इज लोअर? बहुत कम है इनफैंट मोर्टिलिटी रेट. केरला, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब. केरला राइट आंसर. BMI, बॉडी मास इंडेक्स, इज अ मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट विच ऑफ द फॉलोइंग. किस लिए यूज होता है वो? इनफैक्ट मोर्टिलिटी रेट, हेल्थ स्टेटस, लॉन्गविटी या फिर इकोनॉमिक स्टेटस. तो हमारी हेल्थ चेक करने के लिए BMI जो है वो निकाला जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज अहेड ऑफ इंडिया? श्रीलंका पढ़ चुके हम. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू बी अ डेवलपमेंट गोल फॉर अ लैंडलेस लेबरर? तो उसके लिए डेवलपमेंट गोल क्या होगा रूरल लेबरर के लिए? दे शुड बी सेटल देयर चिल्ड्रन अबॉर्ड, रेस्ड वेजेस, नन ऑफ द अबव, या हायर सपोर्ट प्राइसेस ऑफ देयर क्रॉप. तो इसका आंसर क्या है? रेस्ड वेजेस. तो वो क्या चाहेगा? लैंडलेस है, वो दूसरों के लैंड पे काम करते हैं, यानी कि वेज लेके काम करते होंगे, तो वो चाहेंगे कि यार मेरी वेज बढ़ जाए. हाईएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ए, केरला. नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर एम्प्लॉयमेंट अकर्स वेन पीपल डू नॉट वर्क, आर वर्क इन अ लेजी मैनर, आर वर्किंग लेस देन वॉट दे आर केपेबल ऑफ, आर नॉट पेड फॉर देयर वर्क. तो इसका अंडर एम्प्लॉयमेंट, दे आर वर्किंग लेस देन देयर केपेबल, नॉट अ गुड कॉम्पोनेंट ऑफ डेवलपमेंट इंडेक्स. पर कैपिटा इनकम, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लिटरेसी रेट एंड पॉवर्टी रेट. तो डी, पॉवर्टी रेट हम लोग नहीं कैलकुलेट करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज प्रिपेयर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट? वर्ल्ड बैंक, IMF, UNDP, UNO. तो सी, UNDP कैलकुलेट करती है. इंडियाज हाइएस्ट रैंक, SGI रैंक इन द वर्ल्ड इज 130 क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर. तो फर्स्ट इज, वॉट इज द कॉमन इंडिकेटर फॉर मेजरिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री? तो कॉमन इंडिकेटर क्या है? पर कैपिटा इनकम. नेक्स्ट, वाई डू सम पीपल अपोज डैम्स? गिव अ रीजन. तो डैम्स कंस्ट्रक्शन पे कुछ लोग अपोज क्यों करते हैं? बिकॉज कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम डिस्टर्ब द लाइव्स ऑफ पीपल हु आर डिस्प्लेस्ड. क्योंकि जिनका घर उजड़ता है, जिनको इधर से उधर शिफ्ट करा जाता है, उनकी लाइव्स बिल्कुल ही यू कैन से दैट डिस्प्लेस हो जाती है, इसलिए दे आर अपोजिंग इट. What other goals is included in development goals besides having better income? तो income के अलावा freedom, education, security and equal treatment is included. Next question, what do you mean by per capita income? उसकी definition बताओ. Per capita income refers to income of a person that of a particular nation. Next question, what is the full form of IMR? IMR stands for infant mortality rate. Next question, write the causes of high infant mortality rate, यानी कि high infant death rate. छोटे बच्चों के ज़्यादा मरने का reason क्या है? Inadequate health facilities. What do you mean by nation development? तो nation development refers to the ability of nation to improve standards of living of its citizens. अगर standard of living बढ़ गया citizens का, तो nation is developed. What was literacy rate of Bihar in 2011? Important question, 64%. How can we compare different countries or state? तो we can compare different countries on state on the basis of per capita income. What is the reason due to which Kerala has a low infant mortality rate? Because of the basic health and education facilities. अब हम पढ़ेंगे इसके कुछ short answers. तो first is, what is the meaning of development? Explain the two aspects of development. तो development का real meaning क्या है? Development refers to the progress or improvement in lifestyle. Important aspects of development are, different persons can have different developmental goals. सबके development goals अलग है. मेरा development goal क्या होगा कि तुम्हारा डेवलपमेंट गोल क्या होगा कि तुम्हारी 12th में अच्छी परसेंटेज आए, 10th में अच्छी परसेंटेज आए. तुम्हारे फादर का डेवलपमेंट गोल क्या होगा कि वो अच्छे इनकम अर्न कर सके, तुम्हें अच्छे स्कूल्स एंड कॉलेजेस में भेज पाए. एक लैंडलेस लेबरर का डेवलपमेंट गोल क्या था कि उसको एक हायर वेजेस मिले.
ठीक है, तो सबके डेवलपमेंट गोल अलग होते हैं. व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी द डेवलपमेंट फॉर अदर, इट मे इवन बी डिस्ट्रक्टिव, यानी कि डैम वाली सिचुएशन. अब हम लोगों के लिए डैम बनना अच्छी बात है कि बिजली आएगी एंड वाटर जो है हमारा उसमें रन करेगा, टर्बाइन रन करेंगे, तो वी विल बी हैप्पी. बट जो लोग डिस्प्लेस होते हैं डैम से, उन्हें पता चलता है उनके लिए वो डिस्ट्रक्शन है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन क्राइटेरिया यूज बाय वर्ल्ड बैंक इन क्लासिफाइंग डिफरेंट कंट्रीज. तो क्या क्राइटेरिया वर्ल्ड बैंक यूज करता है, ये जो आंसर है मैंने यहाँ लिखा है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स. सो जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट, जो इंस्टाग्राम यूज करते हैं उन्हें नोट्स में मिल जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज द इशू ऑफ सस्टेनेबिलिटी इंपॉर्टेंट. सस्टेनेबिलिटी मतलब क्या होता है कि हम आज के समय पर जो कुछ भी हम यूज कर रहे हैं उसको ऐसे यूज करें कि फ्यूचर जनरेशन के ऊपर इफेक्ट ना पड़े, यानी कि पेट्रोल, कोल, ऐसे जो रिसोर्सेज हैं इनको ऐसा यूज करना चाहिए कि फ्यूचर जनरेशन पे इफेक्ट ना पड़े. इसका आंसर यहाँ गिवन है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, डिस्क्राइब एनी थ्री फीचर्स ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज. तो यहाँ मैंने आंसर गिवन है, यू कैन जस्ट सी इट. ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर. यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया आंसर, यू कैन जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट. एंड नाउ वी हैव कंप्लीटेड ऑल द क्वेश्चन. नाउ आई विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम बाकी आंसर्स करने वाले हैं. सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू दिस चैप्टर यू कैन आस्क मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन.